टोंक में बनास नदी में बजरी खनन को लेकर स्थानीय लोगों में विशेषकर किसानों में खासा आक्रोश व्याप्त है। शनिवार को किसान महापंचायत राजस्थान के निर्देशानुसार डोडावेड़ी बालाजी मंदिर में बैठक का आयोजन करके बनास नदी के अंदर सब सरफेस बैरियर के निर्माण करने की मांग की गई है। स्थानीय किसान कालू गुजर ने बताया कि इस स्थान से चूली रेपेट तक पानी की आवक रहेगी, जिससे डोडावाड़ी, बोरदार, नयागांव, खलीलपुर, लाख, लकड़ा, मूडिया, पालड़ा गांव को शत प्रतिशत फायदा होगा तथा आसपास के 3 दर्जन गांवों में भूमिगत जल स्तर में गिरावट रुकेगी। किसान महापंचायत के पीपलू अध्यक्ष गोपीलाल जाट की अध्यक्षता में मीटिंग में बोरदार, डोडावाड़ी, अतालिकपुरा, लाख के 5 प्रमुख व्यक्तियों की उपस्थिति रही। किसान महापंचायत युवा प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद चौधरी भी मौजूद रहे। बैठक में आगामी मीटिंग किसान दिवस 23 दिसंबर को कृषि उपज मंडी समिति टोंक में आयोजन का भी निर्णय लिया गया, जिसमें टोंक जिले के पीड़ित किसानों की आवाज को भी बुलंद किया जाएगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य, खरीद गारंटी का कानून, GSS को खरीद केंद्र बनाना, CRP के द्वारा बिसलपुर सहित टोंक जिले के समस्त बांधों को भरना, विद्युत विभाग द्वारा किसानों को समय पर कृषि कनेक्शन उपलब्ध नहीं करवाकर मोटी रकम की लूट करना, यूरिया, DAP की किल्लत और कालाबाजारी को रोकथाम नहीं करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करना, बिसलपुर में जिला कलेक्टर 2.414 TMC पानी नहरों में छोड़ने को लेकर आंदोलन शुरू करना, इसरदा डूब क्षेत्र के किसानों को वर्तमान DLC के आधार पर मुआवजा दिलवाना, इसरदा बांध से निवाई पीपलू टोंक तहसील के गांवों को नहरों द्वारा सिंचाई उपलब्ध करवाने पर खासी चर्चा रही। 23 दिसंबर को कृषि उपज मंडी समिति टोंक में होने वाली सभा को संबोधित किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट करेंगे तथा टोंक के किसानों के विभिन्न मांगों को लेकर आगे के आंदोलन की रणनीति भी तैयार करवाएंगे। बैठक में निर्णय लिया गया कि अगली बार टोंक में किसान दिवस भी मनाया जाएगा तथा किसान नेताओं का सम्मान समारोह भी रखा जाएगा। आज बालाजी के मंदिर में सब किसान भाई ने मीटिंग की। मीटिंग में यही तय हुआ कि बालाजी के मंदिर बालाजी गांठ से सरोवर बैरेज का निर्माण के लिए डोडवाड़ी, लांक, लांकड़ा, खलीलपुरा, पालड़ा, बोरदा, नया गांव, इस गांवों ने मीटिंग की करके तय किया गया है कि बालाजी गांठ पर निर्माण सरोवर बैरेज का निर्माण चालू करवाया जाए और 23 दिसंबर को सब किसान तो किसान मंडी में, कृषि मंडी में वो उपस्थित होंगे और वह मीटिंग करेंगे और वही 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाएंगे।